हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीचर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद टीचर। देखिए, हम एक्सरसाइज 2.5 में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने वो शॉर्ट में राइट कर दिए है यहाँ। देखिए, एक पर्सन है दिनेश, ठीक है, जो कि पहले ए से बी पे जाता है, फिर बी से सी की तरफ जाता है, ए से बी, बी से सी। फिर नेक्स्ट है आयुष, जो कि ए से डी की तरफ, फिर डी से सी की तरफ, ए से डी, फिर डी से सी की तरफ, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया और आयुष ने कितना डिस्टेंस कवर किया और किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। डिस्टेंस कवर बाय दिनेश, ठीक है, कितना है दिनेश का डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी, ए बी कितना के बिन है, 7.5, बी सी कितना के बिन है, 12.7, तो क्या आएगा आपका 7 and 5 12, कैरी लगी 1, 8 और 2 10, कैरी लगी 1 एंड 2, 20.2 किलोमीटर जो कि दिनेश ने कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय आयु, देखिए जो आयु है वो ए से डी, पहले ए से डी डिस्टेंस कवर किया तो उसने ए बी पार्ट कवर किया, फिर ये डी से सी गया, यानी कि डी से एडी कितना है 9.3 एंड डीसी कितना है 11.8, ऐड करिए 8 and 3 11, कैरी लगी 1, 10 and 1 11, कैरी लगी 1 2, ठीक है। यानी कि जो दिनेश है उसने 20.2 डिस्टेंस कवर किया किलोमीटर और आयुष ने 21.1 किलोमीटर, तो किसने ज्यादा किया, आयुष ने ज्यादा किया, ठीक है। आयुष कवर मोर डिस्टेंस, ठीक है, कितना था उसका वो डिस्टेंस, 21.1 माइनस 20.2, ठीक है, दिनेश से कितना ज्यादा था, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 2 गया 0, यानी कि 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस का फर्क है दोनों, ठीक है। अभी इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया किसने, आयु ने, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, श्यामा श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोस। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स। देखिए सब में क्या है, श्यामा है उसने एप्पल कितना लिया, 5 kg इतना ग्राम, मतलब 300 ग्राम एप्पल लिए, और मैंगोस इतना ग्राम, 3 kg 250 ग्राम लिए, और सरला है उसने ऑरेंज लिए 4 kg 800 ग्राम एंड बनाना लिए 4 kg 150 ग्राम। किसने ज्यादा एप्पल वो ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले वेट ऑफ फ्रूट्स व्हाट बाय बॉट बाय, सबसे पहले कौन है, श्यामा, श्यामा, ठीक है, श्यामा के देखिए, जब जैसे कि एक एप्पल है आपका और मैंगोज है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है एप्पल और मैंगो से, हमें बस फ्रूट से मतलब है आपका, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐड करिए, देखिए 5 kg 300 ग्राम, नेक्स्ट 3 kg 250 ग्राम, ठीक है। अब ऐसे करके ऐड करिए, ऐसे क्या है,
आपको ज्यादा ये जी होगा ऐड करना, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट आप इस तरीके से करिए, 0.5 इतना ग्राम एंड 8 kg। बोर्ड्स किसके किसने इतना परचेज किए, श्यामा है, ठीक है। नेक्स्ट वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय, अब कौन है नेक्स्ट आपकी, सरला। सरला सरला ने कितना परचेज किए, बिल्कुल सेम आपको यही करना है, एक तरफ केजी एक तरफ ग्राम। पहला कितना है इसका, 4800 4150, ठीक है। ऐड करिए 0.5, 9 and 8 के जी, बहुत ज्यादा नीचे पड़ रहा है, के जी एंड ग्राम, यानी 8 kg 950 ग्राम से इसे लिख देते हैं, 8 kg 950 ग्राम, ठीक है। इसका कितना है, 8 kg 550 ग्राम। किसने ज्यादा परचेस किए, सरला ने, या मुझे हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने किया ज्यादा फ्रूट्स, सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है। सरला ने ज्यादा फ्रूट्स परचेस किए, ठीक है। कितने ज्यादा भी पूछे तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में, एक तरफ केजी एक तरफ ग्राम, ये है 8 ये भी 8, ये है 950, जिसका ज्यादा उसको ऊपर लिखोगे, ये है 550, माइनस कर दो 004 ग्राम, इधर तो जाएगा ही इधर तो जीरो जाएगा, यानी कि 400 ग्राम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। पहले हमने श्यामा का ऐड किया है, फिर हमने सरला का ऐड किया है, फिर देखा सरला के ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, हमने वो भी निकाल दिया, 400 ग्राम इसके ज्यादा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, ये पूछ रहा है। 28 किलोमीटर है जो 42.6 से कितना कम है, यानी कि डायरेक्ट क्या पूछ रहा है ये आपसे, माइनस। तो आप डायरेक्ट इसमें माइनस कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है, 42.6 माइनस 28, पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं है, जीरो लगा लीजिए, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, इतना किलोमीटर, दैट्स योर आंसर, ओके। अब हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.2 × 6, यानी कि जो 0.2 है उसका हमें 6 में मल्टीप्लाई करना है, इसको डायरेक्ट करिए, 6 × 2 = 12, कितने डिजिट का पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद भी हो जाएगा 1.2, ठीक है। नेक्स्ट 8 × 4.6, ठीक है, डायरेक्ट करो, 8 × 6 = 48, तैयारी लगी 4 8 4 32 32 और 4 36, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 5 × 5 5 × 7 = 35, कैरी लगी 3, 5 × 2 = 10 10 × 3 = 13, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो है 5.7 सेंटीमीटर, ओके, और उसकी जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया एल इंटू बी, ठीक है, यानी कि 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3,
3 7 21 एंटर इक्वल 3 5 15 15 एंड 2 17 ठीक है। एक डिजिट का पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, क्योंकि एरिया पहले निकल होता था ओनली सेंटीमीटर, बट एरिया निकलवाया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स योर आंसर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें से मैंने एनी 4 पार्ट लिए हैं। एक लिया मैंने 1 जिसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक लिया मैंने 8 जिसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 9 में भी 10 का है एंड 12 में आपका 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। अब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप अपने से करना हो। देखिए 1.3 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, जबकि 13 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करते हैं तो 130 आता है ठीक है। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 13 इज योर आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, देखिए 3100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 311 में 20 और लगा दिया हमने ठीक है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा 3110 ओके। नेक्स्ट 0.5 × 100, तो यानी कि एक जीरो ये है 50, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 5.0 का मतलब 5 ओके। इधर करिए 3 1 2 3, ऐसे डायरेक्ट करिए किया करिए, जो भी नंबर यहाँ हो उसके बीच में एक जीरो लगा दो, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया करो, 1 2 2 पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद, तो 30 इज योर आंसर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि एक टू व्हीलर है उसने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम 1 से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ज्यादा से 1 की तरफ आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। इसमें हम क्या हो रहा है, 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई ठीक है। देखिए डिस्टेंस कवर्स वाई, डिस्टेंस कवर्स कवर्ड बाय टू व्हीलर ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना डिस्टेंस है, 55.3 किलोमीटर ठीक है। फिर वही डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर इन इसमें 10 लीटर ऑफ पेट्रोल ठीक है। देखिए 55.3 मल्टीप्लाई 10, 55.3 हुए 10 इसका 0, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 का 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है ठीक है। इतना किलोमीटर 553 किलोमीटर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, बिल्कुल सेम हम इस तरीके का कर चुके हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 कैरी लगी 1, 3 2 6 1 17 वो 7 ठीक है। वैसे भी 25 3 75 होता है, अब कितने डिजिट का पॉइंट लगाना है, 1 एंड 2 1 एंड 2 आंसर 0.75। इसके भी बहुत सारे पार्ट है, हमने ओनली 4 पार्ट लिए हैं ठीक है। देखिए 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, वही नंबर लौट कर आता है ना, कितने डिजिट का पॉइंट लगाना है, 1 एंड 2 1 एंड 2 5.17 ओके। नेक्स्ट
ये देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे है ना, मल्टीप्लाई 5 5 5 5 0 5 1 5 0 0 0 5 0 0 1 5 2 5 5 0 1 कितने डिजिट का पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 10.5525 दैट्स योर आंसर। ओके नाइन्थ में देखिए 1 0 1 0 1 ये पॉइंट और लगा लेंगे, अगर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इसमें पॉइंट यहाँ है एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.01 का, इसको तो आप डायरेक्ट ही करिए, उसमें तो 5 1.05 ऐसे इस तरीके से किया, इसमें तो आप ये मान लीजिए आपको 1 का ही मल्टीप्लाई करना है ना, 1 0 1 0 1 ठीक है, 1 में ही मल्टीप्लाई करना है, आप देखिए कितना डिजिट का 0 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, 1.0101 ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।